समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सभी 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रभारियों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, जिसकी घोषणा पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर सेक्टर इंचार्ज करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस में बहुजन समाज पार्टी के लिए इन उपचुनावों में खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को यदि कहीं कामयाबी मिल जाती है और कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाती है, तो इन्हें 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के बीच अपनी हैसियत बताने का आधार मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे वाली 6 सीटों पर चुनावी मंथन शुरू करने के साथ ही संगठन से लेकर सरकार के कुछ प्रमुख चेहरों को इन सीटों पर बतौर प्रभारी कमल खिलाने की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इनकी जल्द ही तैनाती हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली मलहनी और स्वार सीट पर खास मंथन हो रहा है। पार्टी के रणनीतिकार दोनों सीटों पर ऐसे चेहरे को उतारना चाहते हैं जो स्थानीय समीकरणों में अपनी पकड़ व पहुंच के जरिए वोट बढ़ाकर जीत के आंकड़े तक पहुंच सके। पिछले दिनों निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2017 में मलहनी में समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले धनंजय सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता से मिले थे। हालांकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि निषाद पार्टी के जरिए आपराधिक छवि के धनंजय सिंह की पीठ पर भारतीय जनता पार्टी हाथ रखेगी या नहीं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो उसने भी कुछ सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी जल्द ही कुछ नेताओं को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लगाएगी। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।